बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कैंटर से 130 पेटी अवैध शराब जब्त की है। तस्करी करने वाले दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। यह शराब बुलंदशहर में अवैध रूप से लाई गई थी। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि यह शराब का कैंटर हरियाणा के हिसार से लाए थे। यह उन्हें किसी बिल्लू नाम के व्यक्ति ने सप्लाई करने के लिए दिया था। फिलहाल पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में और आगे के खुलासे के लिए गंभीरता से जांच कर रही है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। यह देखिए, बीती रात एक अच्छी रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें 130 पेटी शराब एक कैंटर से हरियाणा से बिहार जा रही थी। अब सूचना मिली, रोक के तलाशी चेकिंग कराई गई और शराब की बरामदगी की गई। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 110 पेटी ब्लू ब्लेजर नाम की शराब है और 20 पेटी डॉल्फिन नाम की शराब है जो बरामद की गई है और बिहार ले जा रहे हैं। लगभग 9 लाख रुपए मूल्य की कीमत की शराब। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।